हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारद्वाज व्यूज में, ओनली नॉलेज फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइज, जामिया मिलिया इस्लामिया ये वो यूनिवर्सिटी है जो समय समय पर किसी न किसी वजह से चर्चा में आ जाती है। इन दिनों में भी ये काफी चर्चा में है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के इतिहास के बारे में, संक्षेप में इसके नाम के अर्थ के बारे में, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया आजादी से पहले से मौजूद है इस देश के अंदर और इतिहास के अंदर उसका नाम हमेशा उल्लेख में आता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज़ वीडियोस आप तक आती रहें। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया एक उर्दू नाम है जिसका हिंदी में अर्थ देखें तो जामिया यानी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, मिलिया यानी राष्ट्रीय यानी नेशनल, और इस्लामिया यानी इस्लामिया, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया का हिंदी नाम हुआ राष्ट्रीय इस्लामिक विश्वविद्यालय और इंग्लिश नाम हुआ नेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जहां मुस्लिम समुदाय के लिए 70% से भी ज़्यादा सीटें आरक्षित हैं। साल 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव पड़ी थी। 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और दिल्ली के सर सरवर जंग ने इस यूनिवर्सिटी को डिज़ाइन किया। ये यूनिवर्सिटी ईयर 1920 में अलीगढ़ में स्थापित की गई थी। सरोजिनी नायडू ने एक बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था कि इस विश्वविद्यालय का एक एक पत्थर बलिदानी की निशानी है। इसके संस्थापक नेताओं में मुख्य तौर पर अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली थे। जामिया की नींव उपनिवेशवाद विरोधी इस्लामिक सक्रियता और पश्चिमी शिक्षित भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आज़ादी की आकांक्षा जैसी दो प्रवृत्तियों को मिलाकर की गई थी। इन दोनों प्रवृत्तियों ने एक उत्प्रेरक के रूप में महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया था। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत की सबसे प्रगतिशील शैक्षिक संस्थानों में से एक कहा था। गांधी जी ने उस दौरान आह्वान किया था कि सभी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों का विरोध करें। गांधी जी की इस कॉल का जवाब देते हुए राष्ट्रवादी शिक्षकों और छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़ दिया था। ये सभी समर्थक ब्रिटिश झुकाव का विरोध कर रहे थे। इस आंदोलन का नेतृत्व मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल माजिद ख्वाजा रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता अब्दुल कलाम आज़ाद इस विश्वविद्यालय के मुख्य प्रारंभिक संरक्षकों में से एक थे। मोहम्मद अली जौहर जामिया के पहले कुलपति बने। जाकिर हुसैन ने 1927 में सबसे अशांत समय में इस यूनिवर्सिटी को संभाला था। उनकी मृत्यु के बाद इस यूनिवर्सिटी के परिसर में ही उन्हें दफनाया गया, जहां उनका मकबरा आज भी जनता के लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों, यूं तो एक से एक बड़ी हस्तियों ने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन दो तीन नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप खुश होंगे, और ये हैं शाहरुख खान, मौनी राय और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग। एक्टर शाहरुख खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर के स्टूडेंट रहे, लेकिन कम अटेंडेंस होने की वजह से वो फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं दे पाए। एक्ट्रेस मौनी राय इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन यहाँ से कर चुकी हैं, क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि वो एक पत्रकार बने, इसलिए उनका दाखिला जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन कोर्स के लिए करवाया गया। और क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग यहाँ से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में छोटा सा अपडेट पाकर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे नए सब्जेक्ट नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।